हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है, जिसमें हम आप दोनों की एनर्जीज़ को देखते हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी राइट साइड में, आपके पर्सन की लेफ्ट साइड में, और जो भी सिंगल है वो राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का रिसेंटली बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ है, जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं। आपका दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, सडनली ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपका आज के दिन ब्रेकअप हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटते हुए वाइब्स है, हर्ट की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, सफरिंग है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपका इमोशनल जो एनर्जी है काफ़ी लो रहेगा, तो ये न्यू मून का इफेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज एट ऑफ कप्स के साथ फाइव ऑफ कप्स है। कहीं मन ना लगना, बहुत दुखी रहना, किसी से बात करने का दिल ना करना, लोगों से दूर रहने की कोशिश करना, अकेले कमरे में भागने की कोशिश करना। जब इंसान इमोशनल होता है ना, या उसको लगता है कि यार कोई मुझे समझ नहीं रहा, या ऐसा कोई है ही नहीं मेरी फैमिली में या मेरे अपनों में जिनसे मैं खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो वो पर्सन क्या करता है, फिर दूरी बनाने लगते हैं। भीड़ से अलग रहना, अकेले कमरे में रहना, अपने में मस्त रहना, अपने में इमोशनल रोना धोना जो भी है अपने तक, किसी से बताने में भी घबराहट हो, ऐसी वाली वाइब्स है। अकेले ही रो रहे हैं, अकेले ही परेशान हैं, कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप नहा रहे हैं, बाथरूम में भी आपको रोना आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अकेले हूँ या अकेली हूँ, यहाँ मुझे कोई देख नहीं सकता, कोई मुझे जज नहीं कर सकता, तो मैं रो लेता हूँ या रो लेती हूँ। इस तरह की वाइब्स है गाइस, हैवी एनर्जी है आपकी। कुछ लोगों की है, सबकी नहीं है, 25 to 35% लोगों की ये वाइब्स रहेगी। ज़्यादातर लोग पावर में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की वाइब्स है, खुश है, इन्जॉय कर रहे अपनी लाइफ को, बैलेंस में है। काफ़ी लोगों का यूनियन हो चुका है, वो ज़्यादा हैप्पी हैं। जिनका यूनियन नहीं हुआ है, वो अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम नज़र आ रही है आज के दिन। आपकी या आपके घर में किसी की या इवन आपके पेट की तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आपने कोई पेट पाल के रखा है, हो सकता है कि वो बहुत शांत रहे, आपको ऐसा डाउट होगी शायद इसकी तबीयत ख़राब है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, मेरे व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ। आपकी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि बेफिजूल के खर्चे हुए हैं और अब आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों खर्च दिया, क्या इतनी ज़रूरत थी उसको खर्चने की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको अंदर से इंट्यूशन आएगी कि बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब ये राइट टाइम है टू मूव ऑन। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी आपको ऐसी बात न्यू मून या फुल मून के आसपास आपके माइंड में आए, तो उससे दूर रहना चाहिए, उस टाइम पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। न्यू मून या फुल मून बीतने के बाद 5-6 दिन बाद अगर ये चीज़ आपके दिमाग में आती है, तो आप इस पे सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। बट अगर न्यू मून के आसपास या फुल मून के आसपास या ग्रहण के आसपास ऐसे विचार आते हैं, तो ये उसका इफ़ेक्ट होता है।
ठीक है। आज के दिन कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे जाना, कहीं बाहर जाना, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी है। आज के दिन कुछ लोगों के लिए गाइडेड मैसेज है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं और बातचीत कर रहे हैं, मतलब अपने पर्सन के अलावा भी किसी से बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन है ऐसा लग रहा है आपको कि चलो वो भाव नहीं दे रहा, या वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, या वो इतना एटीट्यूड मार रहा है, तो मैं क्यों उसका वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस कम है? तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि चलो उनको भाव मारने दो, मैं उनसे कम नहीं हूँ। आपके लाइफ में अगर 5 लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको बहुत टाइम देना चाहते हैं, और आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी वैल्यू कर रहा है उसको हर्ट करना क्यों? सो आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं, या भले दिल से ना हो, मैसेजेस के थ्रू आप उनको जानने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आज के दिन। सबके लिए नहीं, बट 5-10% लोगों के लिए ये वाइब्स है। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है 9 of Cups, देन वी हैव 7 of Cups, 4 of Pentacles, 6 of Cups, Wheel of Fortune, 헤르밋, Moon. We have 1, 2, 3. 3 major arcana line से यहाँ पर सबसे पहली vibes तो ये है, जैसे कि आप में से बहुत सारे viewers ऐसे हैं जिनके person ना इस new moon के time में एक solid base बनाने की planning कर रहे हैं। बहुत समय से अगर इन्होंने आपसे डिटैचमेंट रखी है, आपसे बात नहीं कर रहे, इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, इस रिश्ते को नरिश नहीं किया, जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ बीज बोकर भाग नहीं जाते, हमें टाइम टू टाइम उसको नरिशमेंट देनी होती है, उसमें पानी डालना होता है, खाद डालनी होती है, उनको कीड़े ना लग जाएं उससे बचाना होता है, टाइम टू टाइम उसकी खुदाई करनी होती है, आप उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिले इसके लिए आप उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि ध्यान रखें। वैसे ही रिश्ते भी होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इमेज है, आपने इस रिश्ते में बीज तो बो दिया, लेकिन एफर्ट्स अगर कोई एक ही लगा रहा है तो यहाँ पर एक अनसेटिस्फैक्शन होती है कि यार इस रिश्ते को हम दोनों ने सींचना है एक साथ। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे भी इसमें एफर्ट्स लगाने चाहिए, मेरे लिए भी ये रिश्ता उतना ही प्रेशियस है जितना कि आपके लिए। इमोशनल एनर्जी है गाइस, आपको लेकर इमोशंस हाई हैं, प्लस आज के दिन ये दूर की सोचेंगे, मतलब आने वाले भविष्य की सोच सकते हैं। यहाँ पर अकेले रहने की वाइब्स है, जैसे ये भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले आइसोलेटेड प्लेसेस पे। काफ़ी लोगों के पर्सन आज के दिन कहीं दर्शन पूजा इत्यादि करते नज़र आएंगे, किसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्लेसेस पे आपको नज़र आ सकते हैं। ये भी नज़र आएगा कि ये बहुत शांत एनर्जी में है, जैसे कि सूर्य को देखते हुए, चंद्रमा को देखते हुए, पानी को देखते हुए, ऐसी कोई इमेजेस आपको इनकी दिख सकती हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा चेंज लेकर आएगा, ये अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस खुद चाहते हैं, और ये जो चेंज है ये डेस्टाइंड है, मतलब ये होगा, इनकी इच्छा है कि ये हो जाए अब, मतलब ये रोकना भी नहीं चाहते। कुछ इच्छाएं इनकी आज के दिन पूरी होंगी जो ये बहुत समय से इमेजिन कर रहे थे। अगर ये आपको याद कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन में अपने किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ मुलाकात करते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते नज़र आएंगे। अगर आपके पर्सन किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ घूम रहे हैं, जैसे आप मेल हैं और आपकी पार्टनर फीमेल हैं, और वो फीमेल किसी मेल के साथ, किसी मेल दोस्त के साथ फ़ोटो डाल रही हैं,
या आपका पार्टनर मेल है और वो किसी फीमेल अपने स्कूल की फ्रेंड या कॉलेज के फ्रेंड के साथ फ़ोटो डाल रहा है, तो आपको गुस्सा आ सकता है। ये जानबूझकर भी ऐसा कर सकते हैं बिकॉज इनकी वाइब्स में है आपको कंफ्यूज़ करना। अगर आप इनसे नाराज़ हो, अगर आप एटीट्यूड में हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मैं ही क्यों एफ़र्ट्स लगाऊं, उसको करना पड़ेगा बातचीत, तो ये आपकी इतनी केयर करते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप इनसे वैसा ही प्यार करते हो जैसा आप पहले करते थे। तो ये जानबूझ के कोई ऐसी हरकतें करेंगे ना जिससे कि आपकी पोजेसिवनेस बाहर आ जाए, आप इनको लेकर जितने पॉजिटिव हो वो चीज़ें बाहर निकल कर आएँ, इसके लिए कुछ ये तामझाम कर सकते हैं। कुछ तिकड़म यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन आज के दिन अगर आपके पार्टनर किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड हैं तो इनसे रिलेटेड कोई ख़बर आपको सुनाई दे सकती है, ये भी वाइब्स यहाँ पर हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में मैसेजेस के साथ। Till then, take care. Bye-bye.